गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर पढ़ा रहे थे अर्धचालक, जिसमें मैंने आपको बताया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर के प्रकार हैं। तो आइए उन प्रकारों को जानते हैं। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक अर्धचालक, और दूसरा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। यानी कि अर्धचालक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। आइए पहला अर्धचालक पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं देखिए इंट्रिंसिक अर्धचालक, यानी कि ऐसे अर्धचालक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, ईटीसी जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, प्राकृतिक में शुद्ध अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम अथवा ये मूल, एक आपको क्वेश्चन दे सकता है मूल पदार्थ कौन से, यहाँ तो ये भी पूछेगा शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। तो शुद्ध अवस्था में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं आपका? जर्मेनियम और सिलिकॉन। फिर आपका मूल पदार्थ कौन से आते हैं अर्धचालक में? मूल पदार्थ तो जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ इत्यादि। अब आते हैं समस्त परमाणु शक्तिशाली बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जो प्राकृतिक में पाए जाने वाला हमारा इंट्रिंसिक अर्धचालक है वो पूर्ण से क्या होता है? शक्तिशाली बंधों से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। क्रिस्टल का तापमान बढ़ने पर कोई बंध टूट जाता है, यानी कि जैसे ही क्रिस्टल का तापमान बढ़ने पर कोई ना कोई बंध क्या होता है? टूट जाता है। यानी कि एक क्या होता है? टूट कर क्या होता? अलग हो जाता है। और जब अलग होता है तो जब यहाँ से कोई चीज देखिए टूट के यहाँ अलग होगा तो यहाँ पे तो उसकी स्थान तो खाली रह जाएगी ना, और जब स्थान जो खाली रह जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स होल युग्म उत्पन्न होते हैं, और जब यहाँ से टूट के अलग होते हैं जिसमें, तो वहां पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होल क्या करते हैं? होल स्थान छोड़ देते हैं। इनकी संरचना क्रिस्टली रूप होती है, आप देख ही रहे हैं। अब देखिए इसको जर्मेनियम में 300 के केल्विन समाज पर इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या प्रति घन मीटर लगभग 2.5 गुणे 10^-19 होती है। देखिए जर्मेनियम में 300 के पर केल्विन इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या प्रति घन मीटर 2.5 गुणे 10^-19 होती है। अब आइए देखते हैं ये आपका था क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आते हैं देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जैसे कि आपका सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम, उसमें कुछ अन्य पदार्थ क्या की जाए? अशुद्धियां मिला दी जाए, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आपका एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है? अशुद्धियां जी, ऐसे ही देखिए इस तरीके से क्या शुद्ध। तो आइए इसको देखते हैं। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में किसी उचित पदार्थ की अशुद्धियों के रूप में मिलाकर उनकी हम क्या करते हैं? चालकता को बढ़ा दिया जाए, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि आपको जैसे कि सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम, उसमें अन्य कोई क्या की जाए? मात्रा को मिला दी जाए। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अन्य जो पदार्थ है उनकी हम अशुद्धता मिलाएंगे उस प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। यह परम शून्य ताप पर कुचालक के समान कार्य करता है। यानी कि इसको अगर परम ताप पर रख दिया जाए तो यह कुचालक, यानी कि क्या, जिसमें कि धारा का प्रवाह न हो, ऐसा ये क्या करता है? व्यवहार करता है। इसमें तापमान में वृद्धि किए बिना धारा का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर इसमें हम कोई तापमान की वृद्धि नहीं करते हैं तो भी इसमें करंट का प्रवाह क्या हो सकता है?
आसानी से यानी बढ़ाया जा सकता है, करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अशुद्धियां पांच अथवा देखिए अब क्या होता है जब इनके साथ अशुद्धियां करते हैं, ये पांच संयोजन वाले या तीन संयोजन आपस में क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, बंध। जैसे आर्सेनिक मैंने आपको बताया इनकी जो संयोजकता होती कितनी होती है, पांच होती है, जबकि जो हमारा इंडियम होता है उसका तीन होता है, इसी प्रकार आपका ब्रोमियम हुआ, गैलियम हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यह दो प्रकार का होता है, एक एन टाइप का होता है और दूसरा पी टाइप का होता है। आइए पहले देखते हैं पी टाइप का। तो पी टाइप का जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम करते क्या है, जर्मेनियम के साथ या तो बोरान हो, गैलियम हो, एल्युमिनियम हो, इंडियम हो, इनको क्या करते हैं उनके साथ मिला देते हैं। और मिलाने के बाद जो प्रक्रिया आती है, देखिए होता क्या है कि जब इनको हम आपस में मिलाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, सहसंयोजक एक बैंड बनाते हैं या बंध बनाते हैं। जब ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो देखिए इसका देखिए चार 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 चार, लेकिन जो हमारा इंडियम है उसके मात्र तीन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, बारह, तीन तीन संयोजक बंध मात्र तीन बनते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा जर्मेनियम हुआ, तो जर्मेनियम का और इंडियम का एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए आपस में यहाँ क्या बना लिए, सहसंयोजक बंध बना लिए, यहाँ पे भी देखिए संयोजक बंध बना लेते हैं, यहाँ बना लिए, यहाँ बना लिए, अब देखते हैं यहाँ बना लिए। लेकिन अब देखिए तीन के साथ तो बना लिया, एक दो तीन बना लिया, लेकिन इसका एक जो होता है बंध हमारा होता क्या रह जाता है, तो इसका जो बंध हमारा रह जाता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि यहाँ से निकल जाता है और निकल जाता है। आज जैसे ही देखिए यहाँ से निकला इसमें जाने के लिए तो यहाँ पे क्या बना देता, होल बना देता है, होल बना दिया, लेकिन यहाँ से छटका तो यह होल तभी हमारा दोबारा भर सकता है जब अगला कोई बंध टूटे और इस होल को क्या करे, पूरा कर दे। तो इस प्रकार पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी संरचना होती है, तब यह कार्य करता है। जर्मेनियम की संरचना की जाली देखिए, ये क्या होता है, एक जाली नुमा होता है, जब ऐसे बंध टूटेगा ऐसे बाहर जाएगा तो क्या होगा, जाली टाइप का, जाली नुमा टाइप का बनेगा। तो यही लिखा हुआ है कि जर्मेनियम की संरचना जाली द्वारा होती है, जाली टाइप द्वारा होती है जी, यानी कि जर्मेनियम परमाणु चार अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहे हैं, चार अन्य परमाणु क्या कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, उसका खाली हो जा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, होल। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, होल उत्पन्न हो गया। इसमें आवेश क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी कि अब देखिए ये ग्रहण कर रहा है ना, तो जो ग्रहण करेगा तो यहाँ से जब देगा तो यानी कि यह लेगा तो क्या होगा, ग्रहण करने वाला होगा, लेकिन जो देगा क्या होगा, अधिक उसके पास एक्स्ट्रा होगा तभी तो होगा, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश कहेंगे। यानी कि जो धनात्मक हमारा आवेश है उसके कारण ये जो हमारा होल क्या है, इस इंडियन में क्या कर रहा है, जा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, खाली स्थान छोड़ रहा है। इंडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसे ग्राही कहते हैं, और जब ये इसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राही कहेंगे। तो इस प्रकार हमारा था पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और दूसरा था फिर हुआ पीएन जंक्शन, यानी कि जब पी और एन को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। तो तब तक आप इसका साथ छीन लीजिए, अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं।